नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, धारा 370 और 35 ए के जाने के बाद, जिस तरह से आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2021 को 2 साल मनाए गए, 2 वर्ष मनाए गए, कहीं खुशियां थी और कहीं लोग ऐसे थे, कहीं पार्टियां ऐसी जिन्होंने ब्लैक डे मनाया। अगर क्या उपलब्धियां रही हैं धारा 370 35 ए के जाने के बाद, क्या क्या नई कार्य हुए हैं और भाजपा की तरफ से क्या क्या नई चीज़ें लेकर केंद्र सरकार की तरफ से आई है, जहां कहीं ना कहीं एक तरफ जनता त्राही माम कर रही थी, कोविड की मार के साथ साथ महंगाई की मार भी जूझ रही है, और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता गया था कि 370 35 ए के बाद प्रगति के रास्ते खुलेंगे, नया जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर उभर कर सामने आएगी। इसी सारी बातों पर आज हमारे साथ जुड़ चुकी है फिर से रजनी सेठी जी। जब भी हम बात करते हैं इनसे, खासकर तौर पर महिलाओं के बारे में बात करते हैं, अब थोड़ा आज हटकर बात करते हैं क्योंकि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन भी हैं और महिला विंग की प्रधान भी रह चुकी हैं, उसी के नाते आप जानेंगे, थोड़ा सा हटकर आज महिलाओं से थोड़ा हटकर मुद्दा जानेंगे, आखिर क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं धारा 370 के हट जाने के बाद, किस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर को देखती हैं। रजनी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। रजनी जी, किस तरह से आप देखती हैं कि क्योंकि कई पार्टियों ने, जहां पर एक तरफ भाजपा ने या आम जनता ने खुशियां मनाई, वहीं दूसरी तरफ जैसा पीडीपी की बात करें तो ब्लैक डे मनाया गया, तो क्या कहेंगी आप? भाजपा ने काफ़ी साल जदोजहद की है यहां पर 370 और 35 ए को ख़त्म करने के लिए, और पीडीपी का जो मंसूबा था कहीं ना कहीं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करना, सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ करना, वो हताश हो चुके हैं। जब 370 और 35 से ख़त्म हुआ 5 अगस्त 2019 को, उसी दिन उनको लग गया था कि हमारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो जम्मू कश्मीर में है वो ख़त्म हो चुकी है। भाजपा ने जो वादा किया था 370 को ख़त्म करने का, वो उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को की जनता को उम्मीद है भाजपा से, और जो जो उम्मीद उन्होंने भाजपा से की है उन्होंने पूरा करने की हमेशा कोशिश की है। आपके सामने मिसाल है कि 5 अगस्त 2021 को हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाया है, हर जिले में मनाया है, केंद्र स्तर पर मनाया है और प्रदेश स्तर पर भी हमारे सभी कार्यकर्ता। कांग्रेस भी उस तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ब्लैक डे मनाया। कांग्रेस ने तो राज किया है यहाँ जम्मू कश्मीर में और लोगों को गुमराह किया है, लोग दुखी हो चुके हैं कांग्रेस से और जो यहाँ के रीजनल पार्टीज एनसी और पीडीपी से। पीडीपी के लिए तो काला दिवस बिल्कुल होगा क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, उनका राजनीति का चैप्टर खत्म है। अब वो सोचे कि यहाँ पर वो सरकार बनाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। पर पीडीपी के जो फिरदोस आगे, वो तो कहते हैं जमूरे हैं, जम्मू के जितने भी नेता हैं वो तो जमूरे हैं, दिल्ली से जो डमरू बजता तो जमूरे नाचते हैं। दिल्ली में हमारे केंद्र में एक शख्सियत ऐसी बैठी हुई है जो हमारी गाइड करती है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गाइडेंस में हमारे सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। पहले ये बताएं कि ये किनकी गाइडेंस में काम करते हैं, ये मिलिटेंट्स के इशारे पे काम करते हैं क्या, ये पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं? तो मुझे जहां तक लगता है ये सिर्फ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, और ये चाहते थे कि जम्मू में भी ऐसे ही हालात क्रिएट करें जो कश्मीर के हुए, चाहे यहाँ के युवा हैं उनको गुमराह करना, युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू को नेग्लेक्ट करना, मतलब हर किस्म में उन्होंने जम्मू को, युवाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। आज जी कांग्रेस जहाँ पर एक तरफ कहती है कि, जैसे भाजपा कहती है कि कांग्रेस सरकार ने 70 सालों से जो माहौल बनाकर रखा, डेली वेजर्स की बात करें वो एक गंद, जो कहते हैं कि गंदगी थी जो हमारे गले पर डाली है, और वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस कहती है, कांग्रेस कह रही है कि ऐसे हालात कांग्रेस के टाइम में भी नहीं थे जितने आज भाजपा के टाइम में बुरे हालात है। नहीं, हालात पैदा करने वाले तो यही हैं, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ऐसी बनाई 500 पे डेली वेजर रख लिया, 1000 रुपये पे, क्या आज 1000 रुपये में एक परिवार चल सकेगा क्या? उन्होंने क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से तो कोई सैलरी देनी नहीं थी, केंद्र के आगे कटोरा पकड़ के वो बैठते थे तो वही सैलरी वहाँ से आएगी तो हम एम्प्लॉयज़ को देंगे, तो ये हालत जम्मू कश्मीर की थी। आज 370 को ख़त्म होने वो इसलिए नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं उनका माफिया जो था वो ख़त्म हो रहा है जी। तो लोग जागरूक हो रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर चुनाव होंगे इनको अपने चेहरे दिख जाएंगे कि वो कहाँ पर खड़े हैं, और पता लग जाएगा कि जम्मू की जनता ही नहीं कश्मीर की जनता भी उन्हें नकार चुकी है। पर अजनी जी, कि हमारी जनता भी यही चाहती है कि अब जो स्टेटहुड का दर्जा था वो वापस मिला जाए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में जिस तरह से जनता ने उम्मीदें लगाई थी वो चीज़ें नहीं मिली हुई, ना ही जिस तरह से कहा गया था इंडस्ट्रीज आएगी, बेरोजगारी खत्म होगी, डिवेलपमेंट होगी, वो चीज़ें नहीं मिली। पर ये कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि हाँ, ये के विपक्ष का भी कि साथ ही साथ कि हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था राज्य का, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारे राजों महाराजों की धरोहर है, ये राजों महाराजों की देन है, तो उस स्टेटस को लेकर भी लगातार बातें हो रही है। नहीं, भाजपा तो शुरू से कह रही है कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, मगर सही समय पे मिलना चाहिए। अमित शाह जी ने भी बिल्कुल, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने उसका
प्लेटफॉर्म पे बोला हुआ है कि वो वापस दिया जाएगा, और हम भी चाहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि स्टेट वापस मिले, मगर हम तब चाहते हैं कि यहाँ का माहौल बिल्कुल सही हो, क्योंकि जिस मकसद के लिए यहाँ पर यूटी बनाया गया है वो फुलफिल हो, लोग सिक्योर रहें, और जो इनकी मोनोपोली बनी हुई है कश्मीर वालों की, रीजनल लीडर्स की, पाकिस्तान के इशारे पर नचाने वाली और कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने वाली, वो ख़त्म हो, उसके बाद हमारी स्टेटहुड वापस मिले, बिल्कुल मिले। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप कह रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, लगातार 1.5 साल से यहाँ कोरोना रहा है। डेवलपमेंट की मिसाल मैं देना चाहूँगी, अभी हमारे LG साहब ने कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकाला कि पत्थरबाजों के लिए सरकारी नौकरी नहीं होगी, ये एक सराहनीय कदम है। कहीं ना कहीं पत्थरबाजों को सपोर्ट कौन करता था? PDP, NC, और उनकी इतनी शय मिलने के कारण उमर अब्दुल्ला जी ने तो आपत्ति जताई इस पर। उमर अब्दुल्ला जी भी तो अपनी राजनीतिक रोटियां बनाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी राजनीति कहीं ना कहीं करनी है। जम्मू में तो उनका खात्मा हो चुका है, PDP का, NC का जम्मू में जनाधार खत्म है, कश्मीर में भी वो जनाधार खो बैठे। अभी आपने देखा पिछले 5 अगस्त को किस तरीके से भाजपा के झंडे कश्मीर में लहराए गए हैं। बड़ी विचित्र एक बात सामने उभर कि जो इतने सालों में रश्मि जी कश्मीर के लोग कश्मीर के लोग समझ गए हैं, और लगातार मैं भी कश्मीर गई हूँ और महिलाओं के बीच रहती हूँ, महिलाएं कहती हैं कि ट्रिपल तलाक से जो खत्म किया बिल, मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं सुकून मिला है। मेरी एक बिटिया से बात हुई, उन्होंने कहा मैं BJP से बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं 3 साल की थी, मेरे फादर ने मेरी मदर को डाइवोर्स दे दिया था, तो ट्रिपल तलाक आने के बाद मेरी मदर को जस्टिस मिलेगा। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि कश्मीर के लोग सेटिस्फाइड नहीं। आज कश्मीर की महिलाएं, आप लोगों ने अभी देखा होगा सुबह एक वीडियो वायरल हो रही थी, कश्मीर की महिलाएं तिरंगे झंडे को बना रही थी। तो तिरंगा कहीं ना कहीं हमारी भारत की आन बान शान है, और वो कश्मीर की महिलाएं भी समझ रही हैं क्या पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, क्या पाकिस्तान उनकी रोजी रोटी को मुहैया करवा रहा है। तो करवा भारत सरकार रही है, और यही लीडरशिप उनको एहसास नहीं होने दे रही थी कि हम भारत के नागरिक हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। रजनी जी, डोमेसाइल लॉ महिलाओं के लिए कितना लाभकारी है, क्योंकि कई बार कई जगह ऐसा हुआ जब ये चीज़ हुई तो लोगों ने ये भी अपने कटाक्ष किए या ये भी प्रक्रिया रखी कि पहले भी तो महिलाओं के हक हकूक थे, पर अब क्या, अब उनके हस्बैंड के, उनके बच्चों के, उनके हस्बैंड के भी अब यहाँ पर हक होंगे, उनको भी नौकरियों में हिस्सा होगा, इसके बारे में आप कह के? नहीं, पहले कौन से हक हकूक थे? पहले तो पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था महिलाओं की बनिस्बत। जम्मू कश्मीर में महिलाएं जो थी वो कहीं ना कहीं अपनों को दूसरी श्रेणी में बैठी हुई महिलाओं से साबित कर पा रही थी। पूरे देश में जो महिलाओं को हक थे वो यहाँ पर महिलाओं को नहीं थे। मैं उसकी खुद विक्टिम हूँ, पंजाब के से मेरी शादी हुई है, तो पंजाब मेरे बच्चों को कोई हक नहीं थे, स्टेट सब्जेक्ट उनका नहीं था, मेरे हस्बैंड यहाँ पर जगह नहीं ले सकते थे, तो आज वो सारे राइट्स यहाँ की महिला को मिले हैं, और ये सब मुमकिन हो पाया मोदी जी के कारण। मुझे लगता है कि जितनी चिंता उन्होंने महिलाओं की है, शायद पुरुषों की भी नहीं की होगी, मगर महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने आप में एक इज्जत महसूस हो रही है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में यहाँ पर जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं, जिनको अगर सशक्तिकरण किया गया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बिल्कुल रजनी जी, आपने कहीं ना कहीं सही किया कि प्रधानमंत्री जी कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, पर सवाल ये आता है कि अभी भी बेरोजगारी, अभी भी लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, डेली वेजेस की बात करें, क्योंकि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि सबसे पहले केंद्र में सरकार आते ही डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। अगर वाकई लगता था पुरानी सरकारों की वो घंटी थी गले में बांध दी गई भाजपा के, तो फिर वो मैनिफेस्टो में क्यों रखा गया? आज भी वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो मैनिफेस्टो में रखा था सबसे पहले उसी पर काम हो। किस तरह से अब भाजपा इन चीज़ों को सबको देखेगी, क्योंकि शायद इलेक्शंस भी जल्दी अनाउंस हो जाए, तो उन चीज़ों को सबको देखते हुए क्या कहेंगे आप? इलेक्शन ही हमारा भाजपा का मुद्दा नहीं है, जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हम काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता के जो हित की बात है, हमेशा हित के साथ खड़े रहे हैं हम लोग। सिर्फ हम इलेक्शन मुद्दे को लेकर चलें कि हम डेली वेजर्स के मुद्दे को सुने, हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जो काम पुरानी सरकारों ने किए हैं उसको ठीक करने में समय लगेगा। अब हम अनाउंसमेंट कर दीजिए, ठीक है, डेली वेजर्स को जी हम, रजनी जी, अगर डेली वेजर किसी को अगर पुरानी सरकारों ने रोजी रोटी दी है तो उसमें क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल रोजी रोटी दी है, मगर किसी बेस पे देते ना जी, सैलरी उनकी 1,000, 2,000, 3,000, क्या आज एक परिवार चल पाता है 3,000 में? क्या भाजपा भी उसी को आगे चलाती रहे? अगर ऐसा चाहती है तो मुझे लगता है कि भाजपा को कर देना चाहिए, मगर भाजपा चाहती होगी कि उनको एक अच्छी सैलरी मिले, उनको परमानेंट सैलरी मिले, ताकि वो लोग 2 महीने 4 महीने के लिए कहीं डिपेंड ना रहे कि हमारी सैलरी आए। कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, फिर यूटी के अभी तक भाजपा केंद्र सरकार में है, अभी तक यूटी के नाम मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं किया गया? मैं वही बता रही हूँ, पिछले 2 साल होने को है, ऐसा नहीं है, पिछले 1.5 साल से कोरोना में रहे हैं। आपने देखा जम्मू में भी कितने लोग हमारे हमसे बिछड़ चुके हैं कोरोना के कारण, तो कुछ ना कुछ कमियां हमारी रही हैं कोरोना के कारण। गवर्नमेंट अपना फंक्शन नहीं कर पा रही थी, LG साहब लगातार काम कर रहे हैं, LG साहब देख रहे हैं कि भाई किस तरीके की जनता की क्या उम्मीदें हैं, और
प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि जनता की उम्मीदें भाजपा से बहुत हैं, क्योंकि एक ऐसी पार्टी है जो जनता के हित की बात करती है। आज वही जनता सड़कों पर, अभी कुछ देर पहले भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर रहबरे खेल जो फिजिकल टीचर है, अनएम्प्लॉयड टीचर्स हैं, वो फेज टू के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सीएएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट लगातार 88 दिन तक भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे। डेली वेजर पीडीडी लगातार वो धरना प्रदर्शन पे है। तो साथ ही साथ फार्मासिस्ट की बात करें, वो लोग डेंटल सर्जन्स की लगातार 2008 से कोई भी रिक्रूटमेंट यानी कोई भी उनके लिए जॉब्स की पॉलिसी नहीं है। तो सारा आप इस तरह से देखते, किस तरह से राजनीति देखते, क्या जनता का विश्वास फिर से भाजपा जीत पाएगी या जनता उन पर विश्वास कर पाएगी? नहीं, जनता विश्वास कर रही है भाजपा पर, ऐसा नहीं है कि जनता विश्वास नहीं कर रही। हाँ, भाजपा को महंगाई का सतर भी तो, रजनी जी आप भी एक महिला हैं, एलपीजी की रेट्स देख लीजिए, उनके दाम देख लीजिए, किस तरह से महिला गुजारा करती होगी जो सुबह कमाते होंगे शाम को खाते होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, लगातार बढ़ोतरी हुई ना। रश्मि जी मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बेशक बढ़े हैं, मगर एक तरफ ये भी देखिए कि हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको कितने बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। बॉर्डर पे जो है उनको इनसिक्योर फील करते थे, उनको वेपन्स दिए जा रहे हैं। तो अगर कहीं एक तरफ से रेट कहीं बढ़ भी रहा है तो कहीं जनता को भी उनके फायदे दिए जा रहे हैं। गरीब कल्याण योजना है, हम लोगों को गरीबों को अनाज दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि मेरी जितनी फील्ड में बात होती है, लोग कहते हैं हमें 100 रुपया भी, हम पेट्रोल 100 रुपया भी हम पेट्रोल दे देंगे, मगर मोदी जी जो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, लगता है कि वाकई जो डिजर्विंग है उन लोगों को स्कीम्स उन तक पहुंच रही है, उनको मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मिल रहा है। हम भी जहां जहां तक जाते लोग कहते हैं हम तक स्कीम्स ही नहीं पहुंच रही। नहीं, जो स्कीम्स नहीं इम्प्लीमेंट हो रही थी उनकी बात मैंने की थी। प्रधानमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, दोराहे नहीं, पर उन चीजों को स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जी हर घर तो नहीं आएंगे, हर गाँव में तो नहीं आएंगे। रजनी जी किन को कदम उठाना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को उठाना पड़ेगा। मैं लगातार मीडिया के माध्यम से बोल रही हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कमान किसकी है? नहीं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई एलजी साहब को थोड़ी सी कमान को कसना पड़ेगा, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स हैं उनसे जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि क्या ये प्रॉपर उन घरों तक स्कीम्स जा रही हैं। जो मोदी जी सेंटर से तो स्कीम चला रहे हैं, क्या वो नीचे ग्राउंड में इंप्लीमेंट हो रही है? और हमारी भाजपा भी इसको देख रही है, हमारे कार्यकर्ता डिप्यूट किए गए हैं कि इन स्कीम्स को प्रॉपर उन्हीं बंदों को मिले जो जस्टिफाइड हैं। तो मुझे लगता है कि भाई भाजपा के कार्यकर्ता इस काम को देख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर पूरा काम अपना करें। एक आखिरी सवाल रजनी से आपसे करेंगे, जिस तरह से मुबारक मंडी को हेरिटेज होटल में अब बात की है उनको कन्वर्ट करने की, और जनता कहीं ना कहीं अपना रोष लगातार बता रही क्योंकि वो धरोहर है जिससे हमारे डुग्गर प्रदेश की एक पहचान है, और काफ़ी सालों से वैसे की वैसे उस हेरिटेज को डेवलप नहीं किया गया, उसको अपग्रेड नहीं किया गया, ताकि लोगों का जो लोग आते हैं यात्री हों या हमारे यहाँ पे जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनका आकर्षण बढ़े, ताकि जम्मू में ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे कहीं ना कहीं डोगरा सभ्यता जुड़ी हुई है। तो अब आपका इस पर क्या कहना है? ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है जिसको हम लोगों ने मतलब डोगरा एक विरासत समझी है, और यहाँ के जम्मू के लोगों की रुझान भी उस तरफ बहुत है। मुझे लगता है कि भाई अगर इस तरीके का कोई डिसीजन किया गया है तो इसमें लोगों को गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर धरोहर को संभालने की कोशिश की जा रही है जो पिछली सरकारों को करनी चाहिए थी जो आज तक नहीं हुई है, अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो कुछ सोच समझ के लिया जा रहा होगा, क्योंकि एलजी साहब जो हैं वो पूरा जम्मू के लोगों को कोई हित में लेके काम कर रहे हैं। इससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी और अपना डोगरा कल्चर भी स्टैंड करेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई लोगों को डीपली इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई इसके पीछे क्या इनका बनता है, दायित्व बनता है, और क्यों इसको ऐसा किया जा रहा है। कहीं हमारी डोगरा कल्चर को डैमेज नहीं किया जा रहा, डोगरा कल्चर को प्रमोट ही किया जा रहा है और उसको हेरिटेज को संभालने का काम किया जा रहा है, जो इतने सालों से किसी सरकार ने जिसका संज्ञान नहीं लिया वो आज यहाँ पर उनका संज्ञान लेने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल रजनी जी, जहाँ पर एक तरफ युवा पीढ़ी कहते हैं देश की रीढ़ की हड्डी होती है, युवा ही कल के देश का भविष्य है, आज वही युवा सड़कों पर है, आज वही युवा नाराज है, तो क्या ये नाराजगी आने वाले समय में क्या भाजपा पर भारी नहीं पड़ सकती है? नहीं, मैं यही रिपीट करना चाहूँगी कि युवाओं के साथ इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए। युवा अगर कहीं ना कहीं अपने आप को हताशा महसूस कर रहे हैं कि भाई हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही, देखिए एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी रश्मि जी, भाजपा की इस टाइम ठीक है एलजी साहब हैं, मगर हमारे कोई एमएलए नहीं है इस टाइम, ना ही कोई मंत्री हैं। युवा बात रखेंगे भी तो कहाँ रखेंगे, ब्यूरोक्रेसी मिल नहीं रही युवाओं से, वो ऑफिस में अप्रोप्रिएट तरीके से जा नहीं पा रहे, तो युवा उस कारण भी हताश है। कुछ युवा अभी आपके सामने मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में गया जी, उन्होंने ठीक से बात नहीं की, हमें निकाल दिया, बोला आप करने क्या आए हो किसी ऑफिसर ने, मगर ये रवैया मुझे लगता है ये कोई दोहरा है नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो इस समय बिल्कुल ही तानाशाही के मूड में है,
क्योंकि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जाता, गरीब जनता जाती है, युवा जाते हैं, वो तो मिलने तक के उनसे तैयार नहीं होते, तो सिर्फ अपने एसी रूम में बैठकर वो लोग सिर्फ बातें आदेश ही दे सकते हैं। ये सरकार बनेगी तो उसके बाद जो सरकार होती है वो पीपल फ्रेंडली होती है, और ब्यूरोक्रेसी कभी पीपल फ्रेंडली नहीं होती। वो एसी रूम्स में, क्योंकि ये बड़े बड़े अहदे के ऑफिसर्स होते हैं, तो इनको अहमियत नहीं होती कि गरीब किस दुख से निकल रहा है, गरीब धूप में कैसे प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें की नहीं होती। तो वो यही समझ सकता है, जो हमारे एमएलएस होंगे या हमारे मंत्री होंगे वो समझ पाएंगे। आपने कहा कोविड के चलते कोई ना कोई कमियां रही है, मानती है ना कमियां तो हुई हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं कमियां रही जी, बिल्कुल रही है, कोविड के कारण भी रही है रश्मि जी, और एडमिनिस्ट्रेशन के कारण भी रही है। मैं ये आप मीडिया के माध्यम से, हम भी आपसे ये सवाल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर किसकी लगाम है, ना ही आपकी ना। देखिए मैं फिर वही रिपीट कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे एलजी साहब हैं, एलजी साहब थोड़ा सा उसको कसे लगता है, स्ट्रिक्टली अब खींचने की लगाम खींचने की जरूरत है। अगर इलेक्शन भी यहाँ पर होने वाले हैं तो इलेक्शन भी तभी होंगे जब लोग यहाँ पर खुश होंगे, लोग भी चाहेंगे कि यहाँ पर हमारी ऐसी सरकार आए जो हमारी सुने, चुनिंदा सरकार। अगर ब्यूरोक्रेसी को देखा जाए तो लोग नहीं चाहेंगे कि भाई ब्यूरोक्रेसी ऐसी रहे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ चुनाव हो और लोगों की अपनी सरकार आए जो लोगों की बात सुने, लोगों के दर्द को समझे, यही मैं कहूंगी। धन्यवाद रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर एक चीज़ और बताएंगे, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कभी इस तरह के कमेंट आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों को जवाब देना। सबसे पहले शुक्रिया जो लोग हमसे जुड़े हैं, चाहे आप अच्छे कमेंट करते हैं चाहे आप गलत कमेंट करते हैं। पर सबसे बड़ी बात, आपने लिखा है कि मैडम रिपोर्टर मैडम कोई और भी मिलता आपको पप्पू पार्टी के लोगों से इंटरव्यू के लिए। आप खुद ही तो बोलते हैं जनाब, जनता जो इस समय हमें देख रही है खुद ही तो बोलते हैं, सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे जो केंद्र में होगा, यानी रूलिंग पार्टी होगी, तो हम किससे सवाल करेंगे, विपक्ष से थोड़ी ना जाके करेंगे। लगता है आपको अभी ज़रूरत है, आप थोड़ा सा पढ़कर आइए करेगा जब भी आप कमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि जो रूलिंग पार्टी उनसे सवाल पूछना। कुछ नहीं पहुँच रहा रजनी मैडम जी, ये रिंपू धवन जी, रिंपू वर्मा जी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं रजनी जी आपने, क्योंकि हमारी जनता का सवाल लेना भी कुछ नहीं पहुंच रहा रजनी मैडम जी जनता तक, ये एक सच्चाई है। बीजेपी युवा मोर्चा भी नाम का ही है, युवाओं के साथ कोई ताल में नहीं युवा मोर्चा का। और मीर यासिर जी एक चीज़ मैं आपको बोलूं, थोड़ा अपनी ये कहेंगे, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो भी एक औरत है, औरत की इज्जत करना सीखिए। ये गाली जो आप लिख रहे हैं ये हमें नहीं दे रहे हैं, ये भी महिला है, ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हम हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम भी किसी की माँ है, किसी की बेटी, किसी की बहन है। और जिस माँ की बार बार कहते हैं, जिसको माँ की कोख से, पाक कोख से आप जन्म लेकर आए हैं, कम से कम उस कोख को मत गाली दिलवाइए, उस कोख का मत सवाल या निशान उठाइए, क्योंकि गाली यासिर, इनका नाम है मीर यासिर राही, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए जो आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। और भी लोग कमेंट कर रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लोग अपनी प्रक्रिया अपने व्यूज़ रख सकते हैं, पर इस तरह की गाली गलौज देना कहीं ना कहीं आपकी बैकग्राउंड को दर्शाता है, आप किस परिवार का हिस्सा है, आपकी पैदाइश परवरिश किस तरह की हुई है, ये आपको साफ दर्शाता है, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। जब आप किसी महिला के लिए इस तरह के शब्द कहेंगे तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है आपके नाम के साथ आपको यहाँ पर इज्जत अफजाई देना। फिर भी हम भाई साहब आपको इज्जत से कह रहे हैं, हम भाई साहब करके कह रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ी ही वाहियात किस्म की गाली लिखी है यहाँ पर। शायद आप अपनी माँ बहन को घर में ही गालियाँ देते होंगे, तभी आप कहते हैं ना चैरिटी बिगन एट द होम, जो आप लोग घर में करते हैं वही आप बाहर आकर करते हैं। फिर भी सर आपने दिमाग का इलाज कराइए और कोशिश कीजिए ऐसी भद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ये हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको भी हजारों लोग यहाँ देख रहे होंगे, और आप जब हमने बोला तो हजारों लोग आपको सुन भी रहे होंगे कि किस तरह से आप महिलाओं की इज्जत करते हैं। शायद आप कश्मीर से हैं, हम नहीं कहेंगे जम्मू या कश्मीर का नाम, पर आपका जो आईडी है वो शायद आप कश्मीर से हैं, पर कश्मीर की सभ्यता ऐसी नहीं, हम भी जाते हैं, हम भी मिलते हैं अपने भाइयों से, बड़ा ही इज्जत मान सम्मान देते हैं, शायद आपकी सोच में फ़र्क है, तो सोच को बदलिए, महिलाओं की इज्जत करना सीखिए, चाहे अपनी हो चाहे बाहर की हो। दर्शकों ये थे हमारे साथ रजनी सेठी जी, बार बार हम इनसे जो भी कोई इशू होता बात करते चाहे महिलाओं के लिए, पर आज महिलाओं से थोड़ा हटकर किया, ये भी मानती हैं कोविड के चलते कुछ कुछ कमियां रह गई हैं, चलिए माना तो सही कि कमियां रही हैं, पर वक्त समय है उनको कमियों को सुधारने का, क्योंकि आने वाला वक्त ये भी चाहती हैं और जनता भी चाहती है कि चुनिंदा सरकार का होना कितना ज़रूरी, कितना अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि आज आम जन चाहे महंगाई की मार हो चाहे बेरोजगारी की मार हो सड़कों पर है। प्रधानमंत्री जी स्कीम्स तो निकाल रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, पर क्या
वो स्कीम्स उन नागरिक तक, उन जनता तक, उन युवाओं तक पहुंच रही है जो वाकई में डिजर्व करते हैं? सवाल ये बड़ा खड़ा होता है स्कीम निकालने से नहीं, स्कीम किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है एक आम इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए, एक गाँव गाँव के इंसान के लिए, या एक युवाओं के लिए, या एक आम महिलाओं के लिए, ये मैटर करता है कि वो स्कीम किस तरह से पहुँच रही है और उस स्कीम को कितना लाभ आम जनता तक पहुँचा जा रहा है। अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।